दोस्तों आज बात करने वाला हूँ फेसबुक ग्रुप का बारे में। अगर आप लोग फेसबुक ग्रुप डिलीट करना चाहते हो और आपको डिलीट करना नहीं आता है, कैसे डिलीट करना है, परमानेंटली आप डिलीट करना चाहते हो, आपका ग्रुप का पूरा एक्सेस आपका हाथ में रखना चाहते हो और पूरा डिलीट करना चाहते हो परमानेंटली, ताकि किसी को भी नहीं मिले डिलीट करने के बाद में, पूरा परमानेंटली डिलीट हो जाए, अपने जितना भी ग्रुप में जो भी कुछ भी डाला है, जितना भी डाला है, कुछ भी डाला है, वो पूरा साथ में डिलीट हो जाए और किसी को भी नहीं मिले और किसी कोई भी ढूंढ के भी नहीं पाए आपका ग्रुप, तो ऐसे आप लोग कर सकते, ये पॉसिबल बोले। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूं कैसे आप लोग ये सब कर सकते हैं। आप लोगों को 4-5 मेथड को फॉलो करना पड़ेगा ये सब करने के लिए, परमानेंटली डिलीट करने के लिए। तो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। अगर आप लोग परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मुझे एक भाई ने भी कमेंट करके बताया था फेसबुक ग्रुप को कैसे परमानेंटली डिलीट करना है, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं। एक ग्रुप में बनाया हूं, वो ग्रुप को आपको लाइव में वीडियो में आप लोगों को मैं डिलीट करके दिखाऊंगा कैसे डिलीट करना है और कैसे आप लोग कर सकते हैं, ग्रुप का पूरा एक्सेस आपका हाथ में ले सकते हैं और आप पूरा ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो, आप लोग जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन, आप देखो टेक्निकल अमीरुद्दीन चैनल। दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं टेक्निकल अमीरुद्दीन चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार टेक्निकल अमीरुद्दीन चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर दिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोग को मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देख लेते हैं कैसे आप लोग फेसबुक ग्रुप को आप लोग डिलीट कर सकते हैं कैसे। दोस्तों देख लेते हैं, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखना वीडियो को लास्ट तक, आप लोग स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे बाद में आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को स्किप करके चले जाओगे, बाद में आप लोग कमेंट करके कुछ भी बोलोगे आपका उसमें काम नहीं करेगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो आप लोग पहले फेसबुक ऑन कर लेना है। फेसबुक ऑन करके आप लोग यहाँ पे साइट करना पे क्लिक करना है, करनर पे क्लिक करने का बाद में आप लोग यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर देना है। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है सी ऑल, सी ऑल पे क्लिक करना है। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपने जो ग्रुप बनाया है वह ग्रुप में आप लोग जाना है, ये ग्रुप में क्लिक करना है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एक ग्रुप एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही बनाया, 2 घंटा हो रहा है, 2 आवर्स हो रहा है, ये ग्रुप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग करना क्या है, क्लिक करना है आप जिस भी आप ग्रुप का जो कुछ भी आप डिलीट करना चाहते हो उसी ग्रुप में आप लोग क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे हेलो इंडिया बोल के ऐसे ही एक ग्रुप बनाया था, तो ये ऐप भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एग्जांपल के लिए ग्रुप बनाया था। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ भी सेटिंग दिखाई नहीं देगा। तो आप लोग करना क्या, यहाँ पे साइड कॉर्नर पे देख सकते हो एक स्टार का निशान है, तो आप लोग यहाँ पे ये स्टार का निशान पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हो सकता है आपका फ़ोन में दूसरा किसी भी अलग तरह का सेटिंग है, तो आप लोग वो ढूंढ लेना है। आप लोग ढूंढ के यहाँ पे ग्रुप सेटिंग को निकालना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप सेटिंग, तो ऐसे आप लोगों का उसमें भी ग्रुप सेटिंग आएगा। तो आप लोग किसी ग्रुप सेटिंग को निकालना है, योर सेटिंग नहीं, ग्रुप सेटिंग को आप लोग निकालना है। यहाँ पे ग्रुप सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने का बाद में यहाँ पे आप लोग किसी में भी चर्चा नहीं करना है, 2-3 चीज़ को आप लोग प्राइवेट करके रखना है। पहले यहाँ पे रहेगा प्राइवेसी, तो आप लोग पहले यहाँ पे प्राइवेसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये पब्लिक रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे नीचे सीक्रेट रहेगा, यहाँ पे नीचे आप लोग सीक्रेट पर क्लिक कर देना है। मेरा उसमें अभी अवेलेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अभी ये ऑन किया है बोल के आपका वो पुराना है, तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा, एनेबल हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे सीक्रेट करके रख सकते हैं, यहाँ पे सीक्रेट करके रख देना ये। तो यहाँ पे आप लोग नीचे सीक्रेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन आप लोग यहाँ पे क्लिक करना है, हु कैन अप्रूव मेंबर रिक्वेस्ट। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये दूसरा नंबर है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नीचे 2 ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है एनी वन इन द ग्रुप, तो और एक आ रहा है ओनली एडमिन मेंबर। तो आप लोग यहाँ पे नीचे वाला क्लिक करना है जो ओनली एडमिन का है, तो आप लोग यहाँ पे ओनली एडमिन पर क्लिक करना है, ताकि आपका उसमें जो भी कोई भी क्वेश्चन देगा या फिर पेंडिंग में रहेगा, जो पब्लिक आप लोग ज्वाइनिंग है आपका ग्रुप में, वो कुछ भी क्वेश्चन करेंगे तो पेंडिंग रहेगा, वो अप्रूव करने के लिए पब्लिक करने के लिए आपका ही ज़रूरत पड़ेगा एडमिन का। तो आप लोग यहाँ पे एडमिन कर देना है। एडमिन करने के बाद में फिर यहाँ पर आएगा मेम्बरशिप अप्रूवल। मेम्बरशिप अप्रूवल में यहाँ पर क्लिक करना है, यह तीसरा नंबर है मेम्बरपुर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कोई भी मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है तो आप लोग वो अप्रूवल कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये छोड़ता हूँ, अभी तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तो आपका उसमें आया तो आप लोग ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो बाद में यहाँ पे चौथा नंबर पे आता है, यहाँ पे मेंबर रिक्वेस्ट फॉर्म पेज, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे भी फिर आप लोग ऐसे ही करना है, यहाँ पे नीचे वाला सेलेक्ट करना है, डोंट अलाउ पेज टू जॉइन एस ग्रुप
मेंबर, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर ऑलवेज में रहेगा तो कोई भी पेज आपका ग्रुप में डाल सकता है और ज्वाइनिंग हो सकता है, ऐड कर सकता है, तो आप लोग यहाँ पे नीचे वाला में सेलेक्ट कर देना। यहाँ पे सेलेक्ट करना है, करने के बाद में यहाँ पे आप लोग कन्फर्म में क्लिक कर देना है। फिर से यह हो गया चौथा, बाद में आता है पाँचवा। पाँच नंबर में यहाँ पर आता है हु कैन पोस्ट, तो आप लोग यहाँ पे हु कैन पोस्ट में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में ओनली एडमिन रख देना है, आपका ग्रुप में कोई भी पोस्ट नहीं कर सकता है, आप खाली आप भी पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिन पर यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देना है, ओनली एडमिन रह जाएगा। अगर कोई भी आपका ग्रुप में पब्लिक है भी तो आप पोस्ट नहीं कर सकता है। तो बाद में आता है छः नंबर में आता है पोस्ट अप्रूवल, पोस्ट अप्रूवल में आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करके ये ऑफ रहेगा, ऑफ में से आप लोग ऑन करके रख देना है। तो अप्रूवल के लिए अभी का पास आएगा तो आप भी नहीं रहोगे तो कौन अप्रूवल करेगा, ये पब्लिक ही नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे छः नंबर हो गया। सात नंबर में आता है हु कैन क्रिएट ग्रुप चार्ट, तो यहाँ पर आप लोग फिर से क्लिक करना है। फिर से आप लोग ओनली एडमिन पर रख देना है, यहाँ पे ओनली एडमिन पर रख देना है। बाद में फिर से आप लोग नीचे आवर का आएगा हु कैन ऐड टू ग्रुप स्टोरी, तो यहाँ पे भी आप लोग करना क्या, यहाँ पे भी आप लोग एडमिन रख देना है और किसी में ओनली एडमिन कर देना है। पूरा आप ही के पास रख देना है, किसी का पास एक्सेस नहीं देना है, पूरा ग्रुप का एक्सेस आप ही के पास रहना चाहिए। तो आप लोग फिर से यहाँ पर नीचे आएगा ग्रुप स्टोरी अप्रूवल, ग्रुप स्टोरी अप्रूवल इसमें भी आप लोग ऑन करके रख देना है। यहाँ पे ऑन करने के बाद में कोई भी ग्रुप में कुछ भी डालने का कोशिश करेगा पहले अप्रूवल के लिए आप ही के पास आएगा, बाद में अप्रूवल होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद में यहाँ पे नीचे एक आता है, ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये नोटिफिकेशन ये ऑन रहेगा, ऑफ करके रख सकते हो। ये सब करने के बाद में जो स्टेप यहाँ पे बताया हम, आपका ग्रुप का पूरा एक्सेस आपका पास में आ जाएगा, किसी कोई भी किसी भी पोस्ट को किसी भी चीज़ को आपका ग्रुप में पब्लिक नहीं कर सकता है और आपका ग्रुप को देख भी नहीं सकता है। अभी ये ग्रुप सीक्रेट, यहाँ पे सीक्रेट होने के बाद में कोई भी आपका ग्रुप में एक्सेस नहीं कर सकता है, कोई भी आपका ग्रुप को नहीं देख सकता है और आपका ग्रुप को सर्च करें तो भी सर्चिंग में भी नहीं आएगा आपका ग्रुप। दोस्तों ये सब करने के बाद में आप लोग बैक आ जाना है, बैक आके फिर आपका ग्रुप में आप जाना है, आपका ग्रुप को ऑन करना है। ऑन करने के बाद में आप लोग फिर यहाँ पे स्टार पे क्लिक करना है, स्टार पे क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे इस बार जाना है मेंबर्स में, आप लोग यहाँ पे मेंबर में क्लिक करना है, मेंबर्स में जाना है। मेंबर्स में जाने के बाद में आपने यहाँ से यहाँ पे जितना भी आपका मेंबर होंगे आप मेंबर को देख सकते हो, आप यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हो, उन लोगों को आपका ग्रुप से निकाल सकते हो उन मेंबर्स को, तो ये निकलना है तो आप निकल सकते, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पूरा प्राइवेट कर दिया, अभी का हाथ में पूरा उन लोगों का हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, उन लोग देख भी नहीं पाएंगे आपका ग्रुप। तो आप लोग बाद में करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो एडमिन, यहाँ पे एडमिन पर आप लोग क्लिक करना है। एडमिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जितना भी एडमिन बनाया हुआ है आपने आपका ग्रुप को एक्सेस करने के लिए, या आपका ग्रुप का परमिशन दिया है उन लोगों के पास, आप एडमिन के लिए परमिशन दिया है, आप लोग करना क्या है, जिस जिसको आपने ग्रुप के ग्रुप का एडमिन बनाया है उसी को आप लोग यहाँ से ग्रुप से निकाल देना है, एडमिन से निकाल देना है। निकालने के लिए आप लोग यहाँ से साइट में यहाँ पे साइट थ्री डॉट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रिमूव एडमिन पर क्लिक कर देना, यह रिमूव हो जाएगा। जिस जिसको बनाया है आपने एडमिन उसी को आप निकाल देना, यह भी ध्यान रखना है, अगर अभी का ग्रुप है अभी ने बनाया है फर्स्ट टाइम तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, और उसने बनाया आपको एडमिन बनाया उसने और ग्रुप भी उसी ने बनाया है तो आपने आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, वो आपको रिमूव कर सकता है, यह भी आप लोग ध्यान रखना है। रिमूव करते बहुत ये अभी का खुद का ग्रुप है तो आप उसको निकाल सकते हैं, और अभी का नहीं आप एडमिन बना हुआ है तो आप किसी को भी कुछ भी नहीं कर सकते, आप खाली एडमिन बन के परमिशन दे सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जिसने बनाया है उसका ही हाथ में ये पूरा एक्सेस रहेगा, जिसने ग्रुप बनाया है उसी का हाथ में। तो यह भी मैं ध्यान में बोल रहा हूँ आप लोगों को ध्यान करके, नहीं तो आप लोग बाद में बोलोगे ये जो भी बोल रहा है ये कुछ काम नहीं कर रहा है, अभी आप एडमिन हो तो आपको आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ग्रुप बनाया है आपने बना के एडमिन बना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस ग्रुप में। दोस्तों ये सब क्लियर होने के बाद में पूरा एडमिन को रिमूव करने के बाद में आप लोग यहाँ पे फिर से बैक हो जाना है, बैक होकर यहाँ पे फिर स्टार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ पे देख सकते हो लिब ग्रुप, आप लोग यहाँ पे लिब ग्रुप पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में लिब एंड डिलीट पर यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है, यह ध्यान में रखना है। पहले आप लोग को जो सब मैं बताया वो सब पूरा क्लियर करना है, क्लियर करने के बाद में आप लोग यहाँ पे करना है। यहाँ पे डिलीट करने के बाद में आपका कुछ भी एक्सेस नहीं रहेगा ग्रुप में, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये ग्रुप डिलीट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे करना क्या है, लिब
एंड ग्रुप डिलीट पर यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये आपका ग्रुप पूरा डिलीट हो जाएगा और किसी का पास भी नहीं रहेगा, पूरा आदमी का पास से डिलीट हो जाएगा, पूरा आप सीक्रेट कर लोगे और कोई भी ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। ये ग्रुप ऐसे ही आप लोग परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग लीव एंड डिलीट पर यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यह डिलीट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम के बाद में यह यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे अभी भी देख सकते हो, यहाँ पे देखा रहा है नो आइटम टू शो, नो आइटम टू शो यहाँ पे अभी भी आ गया है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम के बाद में ये यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो आप लोग यहाँ से ऐसे ही आप लोग रिमूव कर सकते हैं परमानेंटली आपका फेसबुक ग्रुप को, आप रिमूव कर सकते हैं और पूरा एक्सेस आपका हाथ में ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को पूरा समझ में आ गया और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। और फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़ है आपका, उसमें कोई भी समझ में आपको कोई भी कमी रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और दूसरा किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई दूंगा, नहीं तो इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहां पे खत्म करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।